आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। सोमवार को ग्राम उपेड़ा में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा बसपा प्रत्याशी मदन चौहान ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क करते हुए लोगों से कहा कि यह मीटिंग इस तरह की हुई है, यह समझो कि इतनी भारी भीड़ के साथ उत्साह मैंने नहीं देखा। बसपा प्रत्याशी मदन चौहान ने बताया कि कई बार मैं चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन ग्राम उपेड़ा से हर वर्ग का उत्साह है। उन्होंने बताया कि जो प्रत्याशी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और पार्टी से ऊपर भी विधायक होता है। यदि प्रत्याशी काम करने वाला हो तो पार्टी कोई भी हो मजबूत काम करेगी, अगर प्रत्याशी घटिया है तो कोई पार्टी कोई भी दे दो वह घटिया ही काम करेगी। आज आप देखिए हमारी सोच में और दूसरों की सोच में फर्क है। हम 26 साल से भी आगे के पीछे नहीं, तो कोई हार जाए या जीत जाए चला जाता है, छेद छोड़ जाता है। पिछली बार 5 साल पहले भी हारे थे, लेकिन 5 साल बिल्कुल आपके बीच में रहा। उसका कारण है संवैधानिक व्यवस्था में हमारे जो भी किसान हो, मजदूर हो, कमजोर हो, उसकी मदद करना हम लोगों का दायित्व बनता है। और मैं दो बातों पर जोर देना चाहता हूं। एक पार्टी काम करती है, एक आदमी जिसका जो प्रत्याशी होता है उसकी इच्छा होती है। अगर पार्टी भी बढ़िया हो और आदमी गलत हो तो कैसे विकास करा लो? वो जब मिलेगा ही नहीं तो कैसे विकास करा लोगे? जब आपके हाथ ही नहीं आवेगा दिल्ली से, तो कैसे विकास करोगे? तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, जब मेरी सोच किसानों की गरीब, इतनी मीटिंग इस तरह की, ये समझो कि इतनी भारी भीड़ के साथ उत्साह मैंने नहीं देखा। कई चुनाव में लड़ चुका हूं, उपेड़ा गांव से हर वर्ग का उत्साह है, कोई वर्ग ऐसा नहीं। आप सब देखिए इस बात को, सब लोग हैं यहां पर मौजूद। किन-किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे को जो विधायक होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पार्टी से भी ऊपर विधायक है, क्योंकि विधायक अगर बढ़िया है, काम करने वाला है, तो पार्टी कोई भी हो वो मजबूत काम करेगा। अगर विधायक घटिया है तो कोई पार्टी दे दो वो घटिया ही काम करेगा। कल ही योगी जी पिलखुवामा आए थे, वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? योगी जी मेरे क्षेत्र में भी आए थे और वोट डर रहे हैं, ये बीजेपी भी और समाजवादी भी डर रहे हैं। अखिलेश जी 100 मीटर की दूरी पर आए थे और योगी जी वहाँ आए थे जहाँ चौहान रहते हैं, जो चौहान बिरादरी के लोग रहते हैं। इसका मतलब दोनों डर रहे हैं और जो डर गया मर गया।